तो पहले चरण के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट में मतदान होना है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कुल 11 उम्मीदवार अपनी सियासत किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 2 उम्मीदवारों ने निर्दलीय पर्चा भरा है। वही शुक्रवार होने वाले मतदान के लिए क्षेत्र में कुल 1,961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि बस्तर लोकसभा सीट में कुल 14,72,207 मतदाता है, जिनमें 7,476 पुरुष, 7,71,679 महिला और 52 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। वही पहले चरण के मतदान के पहले यानी आज छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके माध्यम से मतदान की तैयारियों की जानकारी दी और मतदान के लिए दुर्गम और संवेदनशील इलाकों में स्थित मतदान केंद्रों में दलों को हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया गया है, जबकि अन्य जगहों पर वाहन के माध्यम से मतदान दलों को पोलिंग बूथों तक पहुंचाया गया है। बता दें कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं में मतदान के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोंडा गाँव, नारायणपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोटा विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। तो जैसा कि हमने बताया कि पहले चरण के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की अकेली बस्तर सीट में मतदान होना है। फिलहाल सियासी माहौल कैसा बना हुआ है, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड अनिल पुसदकर जी। नमस्कार सर, कल जैसा कि लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग होगी, जहां छत्तीसगढ़ में अकेली बस्तर सीट पर चुनाव होने जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कुछ अपडेट्स की छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या चुनावी माहौल है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो बस्तर सीट है बहुत महत्वपूर्ण सीट है, नक्सल प्रभावित सीट है और अभी हाल ही में जो है बस्तर से लगे बस्तर जो अखंड जो बस्तर होता था पहले कभी जो अविभाजित बस्तर जिसको जिला माना जाता था उसके एक हिस्से कांकेर के इलाके में नक्सल जो है वारदात हुई थी, जिसको एंटी नक्सल ऑपरेशन था बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आज तक छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा नक्सल के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं चलाया गया, 29 नक्सलियों को ढेर किया गया। तो ये बड़ी वारदात भी है और नक्सलवाद से पूरी तरह ये जो है प्रभावित क्षेत्र है बस्तर, और यहाँ पर जो है कांग्रेस हमेशा जीतती रही है। कांग्रेस पिछली बार भी जो दीपक बैज जो है वहां से जीते थे और 14,70,000 करीब मतदाता हैं। तो ये यहाँ पर कल 7 बजे से ही जो है मतदान होना है और 2 हिस्से में होना है, एक जगह 3 बजे तक होना है और कहीं पे 5 बजे तक होना है। तो 5 बजे तक जो है बस्तर और जगदलपुर के 175 मतदान केंद्रों में मतदान होगा, बाकी जगह 7 बजे से 3 बजे तक होगा, जिसमें कोंडा गांव, नारायणपुर, चित्रकूट और दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा के जो है 72 मतदान केंद्र है। ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और यहाँ जो है लगातार पिछले जो विधानसभा चुनाव में भी बीजापुर और कोंटा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर नक्सल ऑपरेशन में पोलिंग पार्टी को भी प्रभावित करने की कोशिश किया गया था, और इस बार जो है इस जो बस्तर की जो सीट है, ये जो बस्तर की लोकसभा सीट है, इस पर कब्जा करने के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा रही है। नरेंद्र मोदी आकर जा चुके हैं तो कहना होगा कि पूरी दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बदला है। पिछली बार जो है दीपक बैज जो जीते थे उनको बाद में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, विधानसभा में भी टिकट दिया गया तो वो हार भी गए। तो अब जो है यहाँ से जो है देखने वाली बात है कि कवासी लखमा जो पहले पिछली सरकार में मंत्री थे और अभी तक उन्होंने एक भी चुनाव नहीं हारा है, आबकारी मंत्री रहे थे कवासी लखमा और आदिवासियों के बीच में बहुत लोकप्रिय है दादी के नाम से, उनको टिकट दिया है। तो कांग्रेस सीट को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और भाजपा जो है पूरी ताकत लगा रही है कि जो क्लीन स्वीप करने के राह में जो है भाजपा के बस्तर ही एक ऐसी सीट है जो रोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, जैसे कि कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा और भाजपा के महेश कश्यप के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, इस पर दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है, क्या लगता है सर किस पार्टी की इस सीट से जीत हो सकती है, आपका क्या अनुमान है?
देखिए जो दावा तो हर चुनाव लड़ने वाला करता है, महेश कश्यप जो है वो अभी तक जो है भाजपा के प्रवक्ता रहे हैं और अपने 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 चैनल पर भी आए हैं एक दो बार। देखिए ये जो जो सीट है इस पर कवासी लखमा को बहुत सोच समझकर कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। कवासी लखमा है जो विधानसभा में लगातार जीतते आ रहे हैं और लगातार वो जब से मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया है, पहली सरकार से जो है वो मंत्री बनते आ रहे हैं और लगातार मंत्री और जो तीन बार जो भाजपा की सरकार भी आई, रमन सिंह की सरकार जो आई तीन बार भाजपा ने जो फतह हासिल की उस पे भी जो है कवासी लखमा को जो है शिकस्त नहीं मिली थी। कवासी लखमा अभी तक अपराजय जो है प्रत्याशी हैं और इस बार सोच समझकर उनको ये टिकट दिया गया है क्योंकि देखिए एक ये जो है दो सीट 11 में से दो सीट जो है कांग्रेस के पास रही थी पिछली बार, एक जांजगीर चांपा की थी और एक ये बस्तर थी, तो बस्तर में फिर से एक बार पूरी ताकत लगाए हुए हैं कांग्रेस की उनकी सीट बच जाए। और प्रत्याशी के हिसाब से देखा जाए तो कवासी लखमा जो है महेश कश्यप की तुलना में थोड़ा भारी लगते हैं और उनका जो है जो कनेक्ट है पब्लिक से कनेक्ट है वो महेश कश्यप की तुलना में ज्यादा है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं यहाँ पर पलड़ा भारी है। लेकिन जो कल या परसों जो वारदात हुई नक्सलियों के खिलाफ जो पुलिस ने एक्शन लिया है बड़ा एक्शन फोर्स ने, उससे थोड़ा सा माहौल जो है वो अगर मतदान को प्रभावित करता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, एक और सवाल है कि कांग्रेस सहित अन्य पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर नेता अपनी अपनी पार्टी से बागी हुए हैं, क्या इसका असर पर भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? नहीं नहीं देखिए आप ये सीधी फाइट है वहां पर, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं है, ये सीधी सीधी जो है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में योगी कांग्रेस ने भी बीच में कोशिश जरूर की थी, उसके पहले बीएसपी का भी प्रभाव रहा, लेकिन यहाँ सीधे सीधे टक्कर जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होती है। हालांकि जो दो एक विधानसभा सीट है कोंटा और बीजापुर वगैरह, वहाँ कोंटा में जैसे मनीष कुंजाम है जो सीपीआई के प्रत्याशी हैं और वो जरूर थोड़ा बहुत प्रभावित करते हैं, कभी विधायक भी रहे हैं वो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। यहाँ पर सीधी सीधी जो है चुनावी जो टक्कर है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है और जो परिणाम जो है वो ये कह नहीं सकते अभी कुछ, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर होना ये तय माना जा रहा है क्योंकि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जो प्रधानमंत्री है खुद वहां पर एक सभा कर जा चुके हैं, आमाबल में उन्होंने सभा की थी और भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है, सारे जो यहाँ के जितने बड़े नेता हैं सब बस्तर में डेरा डाले हुए हैं। जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। तो आपको बता दें कि पहले चरण के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट में मतदान होना है। बता दें बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कुल 11 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से दो उम्मीदवारों ने निर्दलीय पर्चा भी भरा हुआ है। वहीं शुक्रवार यानी कल होने वाले मतदान के लिए क्षेत्र में कुल 1,961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि बस्तर लोकसभा सीट में कुल 14,72,207 मतदाता हैं, जिनमें 7,476 पुरुष, 7,71,679 महिला और 52 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल।